अस्सलाम वालेकुम। तो मल्टीपल क्रोम क्लोन्स बनाने के लिए जो है वो हमने क्या करना है जी? हमने सबसे पहले तो हमारे पास जी जो है वो गूगल क्रोम होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का होता है। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को इसका पता ही होगा, जिनको नहीं पता तो वो देख लें। ये इस तरह का होता है। जो यूट्यूब में अभी नए आए हैं और उनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये मैं ज़रा इस पर फोकस कर लूँ। अच्छा, तो अगर आपके मोस्टली हमारी डिवाइसेस में ये पहले से होता है, अगर नहीं है तो आप इसको जो है किसी भी, आपके पास कोई भी जो ब्राउज़र है या इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी है, उससे आप इसको डाउनलोड कर लें गूगल क्रोम को। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपने इसको ओपन कर लेना। जैसे कि ये देखें, ये वैसे मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं पहले से, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो आपने जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद फिर आपने किधर जाना है, आपने इस आइकन पे जाना है, ये वाले पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आप ये देखें, ये सारे इधर शो हो रहे हैं जो मैंने क्लोन्स बनाए हुए हैं। तो इनको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्लोन ही नाम दें। यहाँ पे जो है ऐड का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। तो बस आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो उसके बाद अगर नहीं है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इसको डाउनलोड कर लें। और उसके बाद अब ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोई भी आपने कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी नेम दे देना, जैसे मैं नेम देता हूँ क्लोन 5। ये आपने नेम दे दिया ना, अब यहाँ पे डन लिखा हुआ होगा, आपने डन पे क्लिक कर देना है और आपका जो क्लोन है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हम देखते हैं जी किधर गया, ये आ गया। ये देखें, ये बन गया। इस तरह आप अनलिमिटेड बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। ये मतलब इससे ये होता है ना कि हम ज़्यादा लोगों के साथ एक ही टाइम पे फर्स्ट टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे हमने किसी की एक की चला दी वीडियोस, इस पे हमने किसी और की चला दी, इस पे हमने किसी और की चला दी। तो मोबाइल पे तो ये होता है ना कि हम एक टाइम पे एक ही बंदे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लैपटॉप में या कंप्यूटर पे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक ही टाइम पे 5 6 7, जितनी आपके लैप जितना आपका लैपटॉप अच्छा है, उसकी स्पीड अच्छी है, और जितने आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, उस हिसाब से फिर आप 10 12 15 20 30 30 लोगों के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो एक टाइम पे। तो इसके अलावा जो मतलब अब मैं कोशिश करूँगा कि आप, काफ़ी लोग मुझे कहने लग गए हैं कि आपने चैनल किस तरह मोनेटाइज़ किया है, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। तो इस पे भी मैं काफ़ी अब मतलब वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आप जो है यूट्यूब पे अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस पे वीडियो बना दे तो मैं बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।